दोस्तों को टोरादून की तरफ से नमस्कार। दोस्तों आज हम फिर पहुँचे हैं श्रेणीवास गांव में। ये आपको बता दूं, बार बार भक्तों की यही शिकायत आती है ये गांव कहाँ है, पहले अच्छी तरह समझा करो और वीडियो को पूरी देखा करो। ये जो गांव है ये शिवानी के पास पड़ता है और डिस्ट्रिक्ट भिवानी का चल दे। दोस्तों ये जो झाड़ा है ये पांच तत्वों के नाम से लगता है। आप समझते हो पांच क्या होते हैं, सूर्य जल अग्नि वायु। जैसे हवन में मंत्रों का प्रभाव होता है इसी तरह इस झाड़ी का भी प्रभाव होता है। यहाँ पूरी सौ की सौ सत्य है, कोई झूठ छल कपट बेईमाना कुछ नहीं है और ना यहाँ पर लिया जाता, यहाँ पर केवल सीधा श्रद्धा से आना पड़ता है। तो आइए आपको इस धाम की यात्रा कराते। देखिए यहाँ का एक स्थानीय दुकानदार जुड़े है, उससे भी इस धाम के बारे में जानकारी लेते हैं। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। आपका शुभ नाम? सुरेश कुमार। सुरेश कुमार कहाँ से हो आप? आप इसी गांव से? श्रेणीवास धाम से ही हैं सर। अच्छा, इसी धाम से हो। हाँ जी। भाई साहब आप देखते हो सुबह से लेकर शाम तक काफ़ी भक्तों का यहाँ तांता लगा रहता है, यहाँ कितना आराम होता है भक्तों के? लगभग 100% आराम है। पब्लिक औसतन 1500 से 2500 के बीच रोजाना पब्लिक आती है। भगत जी रात दिन करके झाड़ा लगाते हैं। हर स्थानीय दुकानदार गांव पूरा सहयोग करता है, किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ हो पूरा गांव इनके साथ खड़ा रहता है। अच्छा। आने जाने वाले काम हमारी नगरी श्रेणीवास धाम में आने वाले हर यात्री का स्वागत करते हैं। ठीक है, ये गांव किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? ये डिस्ट्रिक्ट भिवानी में जी, तहसील शिवानी। शिवानी से आप नेशनल हाईवे 52 नंबर पर चलोगे तो 14 किलोमीटर आगे आपको मेन गांव श्रेणीवास का बस स्टैंड मिलेगा। 3 किलोमीटर अप्रोच रास्ता रह जाता है, वहाँ से आपको आने जाने के लिए हर साधन की सुविधा है। ठीक है, देखिए ये भाई ने यहाँ की जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। एक भक्त और जुड़े हैं जिनके पूर्ण रूप से आराम हुआ है, इस भाई से भी यहाँ की जानकारी लेते। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। आप कहाँ से हो? भाई साहब मैं वैसे अपने शिवानी से हूँ। अच्छा। रहता चंडीगढ़ हूँ। अच्छा, चंडीगढ़ रहते हो? हाँ जी। नाम विकास है मेरा। आपके क्या दिक्कत थी? मेरे जी पहले 7-8 दिन तो मतलब खूने खून आया अपना टॉयलेट वाली जगह, लेटरिन वाली जगह। अच्छा। फिर मतलब अपने चंडीगढ़ टेस्ट उस्ट करवाए तो उन्होंने कोई दिक्कत बता दी थी। अच्छा। तो भाई अपने बड़े भाई साहब अपने उधर खड़े हैं, उन्होंने मेरे नाम। भाई साहब पूर्ण नाम है आपके? हाँ वैसे अब आराम है जी, मतलब अपना झाड़ा तो लगा नहीं था स्पेशल, वहाँ से आज टोकन वगैरह कटा रखा था उस टाइम। अच्छा। तो महाराज जी थोड़े से बुखार वगूर चढ़ी हुई थी महाराज जी का, उस टाइम झाड़ा लग नहीं पाया था, फिर मैंने वापस जाना हो गया था चंडीगढ़। अच्छा। फिर महाराज जी का नाम लेके आप दो मार के चल गए थे, दो नाम लेने था मेरा फर्क हो गया। नाम लेने से फर्क हो गया ऐसा? भाई साहब आप अभी कमरे के सामने हो और आपको पूरा वर्ल्ड देख रहा है यूट्यूब पे, ऐसा तो नहीं आप झूठ बोल रहे हो? भाई साहब मैं तो दिखा सकूँ तार की झूठ बोलने के यार हो रहा, पूरी 100 की 100 सत्य है। ये पहला की फोटो पड़ी, उन्हें फोटो दिखा दूँ। देखिए भाई ने बताया मेरे गुदा के भट खून चल रहा था, अब वो पूरा ठीक है। झाड़ा एक लगे है आपके? मैं झाड़ा अभी तक लगा नहीं है जी, नाम लेके और महाराज जी का आशीर्वाद लेके गए थे, पाए हाथ लगा के। देखिए इसने बताया केवल महाराज जी का आशीर्वाद लिया है और उससे पूर्ण आराम हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है भाई। देखिए दोस्तों ये सुबह से 5 बजे से लाइन लगी है, कुछ भक्तों से यहाँ जानकारी भी लेंगे, आइए। राम राम भाई साहब। राम राम। कहाँ से हो आप? मैं धारणिया से। धारणिया से, हतेवाड़ डिस्ट्रिक्ट। आपके कौन सा झाड़ा लगेगा ये? जी दूसरा झाड़ा जी। तो पहले मैं अब में कितना अंतर है? अंतर है जी। कितना है? काफ़ी अंतर देगा, 20% 50% है पूरा, 50% के आसपास। ठीक है, आपको कैसे पता लगे यहाँ झाड़ा लगता है? मेरा श्रिम्प का काम है जी, झींगा मछली का। अच्छा। और मेरा गोडाउन है गोठा में। अच्छा, वहाँ से पता चले। ठीक। आप यूट्यूब पे नहीं देखते? कम ही जी, टाइम ही नहीं है काम में। अच्छा, टाइम इतने बिजी हो। ठीक है, इसी तरह जुड़े रहिए टोरादून के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम राम जी। राम राम जी। कहाँ से आए हो आप? आप बड़ुए से आए हैं जी। आपका क्या नाम है? इंदिरा नाम है। इंदिरा, क्या दिक्कत है आपके? आपके मेरे गले में दिक्कत है। अच्छा। पैर में दिक्कत है। आप ओम बन्ना का नाम से मेरे परसों टोकन लेके पड़ा है। हाँ जी। लड़के का क्या दिक्कत थी?
लड़के के जी दिक्कत बहुत ज्यादा थी न्यू थी, अग निकाला लिगड़ा था, हिम्मत नहीं रही करती लड़के का। अच्छा जी, अब जी हिम्मत थोड़ी ठीक है। ठीक है, हाँ ठीक है, झाड़ा लगवाते रहिए, इसी तरह तोड़ा धून के साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद भाई साहब। राम राम। राम राम जी भाई। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुल्तान सिंह है। कहाँ से हो? बड़ुआ से हूँ जी मैं। बड़ुआ से? हाँ जी। आपको कैसे पता लग गया भाई यहाँ झाड़ा लगता है? यहाँ मेरा गाँव वैसे 15 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है। अच्छा। 15 से 20 किलोमीटर होगा लमसम। तो हमें काफ़ी दिनों से पता चल रहा है कि झाड़ा यहाँ लगता है, अच्छा है। अच्छा है। हाँ। तो सभी भक्तों को आराम होता है क्या? सभी भक्तों को आराम होता है। मुझे कोरोना हो गया था जब। हाँ। मैं आ नहीं पाया था यहाँ। अच्छा। तो तब से मैं सुन रहा हूँ कि अच्छा है वहाँ। और ये आपका पहला झाड़ा लगेगा? पहला झाड़ा। ठीक है, लगवाते रहिए और टोरा धुन के साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, चलो। क्या नाम है गुड़ी? सोनिया। कहाँ से हो? अरिया मंडी। क्या दिक्कत थी? जी पैर में दर्द है। तो आपके कौन सा झाड़ा, पहला दूसरा है? पहला है जी। पहला है? हाँ जी। ठीक है, आपको विश्वास है कि यहाँ आराम होएगा? हाँ जी है। किसी के और भी हुआ है? हाँ जी। तो उनसे आपको शिक्षा मिली है, उसने झाड़ा लगवाया उसके आराम हुआ तो तेरा भी होगा? हाँ जी। ठीक, सही इसी तरह बने रहिए टोरा धुन के साथ। धन्यवाद। हाँ जी। आप? अमित कुमार। अमित कुमार, कहाँ से हो? मैं हिसार से। हिसार से। क्या दिक्कत थी आपके? मेरी मम्मी के पैरों में दर्द है जी। अच्छा, तो उसके झाड़ा लग लिया? नहीं, अभी लगवाने के लाइन में। उसके पहली बार लगेगा? हाँ जी, फर्स्ट टाइम। आपको कैसे पता चला यह झाड़ा लगता है? मेरे को ये मेरे भाभी जी है, इन्होंने बताया था। अच्छा, इन्होंने बताया था। तो इनको पूरा जानकारी यहाँ की? हाँ जी, इनके पास में, इनका गाँव यही है पास में। अच्छा, इनके पास में? हाँ जी। ठीक है, इनसे भी जानकारी लेते हैं। ओके। हाँ भाई, क्या नाम आपका? मेरा नाम मुनीश है। कहाँ से हो आप? मैं हिसार से। हिसार से। आपको कैसे पता चला यहाँ झाड़ा लगता है? मेरे गांव में कई लगवा ले गए। अच्छा, उनके आराम है? उनके आराम है। तो झाड़े से आप पूरा क्लीन करते हो? हाँ जी। ठीक है, आपने भी लगवाना झाड़ा? हाँ, लगवा लेंगे। मैं एक लगवाए। हाँ। आपका दूसरा लगेगा? दूसरा लगेगा। तो पहले मरी में अंतर है कुछ? हाँ। ठीक है, इसी तरह बने रहिए टोरा धुन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। हमारे साथ एक अंकल जी और जुड़े हैं, इनसे भी जानकारी लेते हैं। राम राम जी अंकल। राम राम। आपका शुभ नाम? बलराज। कहाँ से हो? गढ़ी। गढ़ी से। आपका क्या दिक्कत थी? शरीर में नसों में दर्द था। अच्छा। बीपी था, सांस की शिकायत थी। तो आपके तो कई रोग थे। हाँ। तो अब कितना आराम है? आधा आराम। आधा आराम है। हाँ। एक झाड़ा लगा है? एक झाड़ा लगा है। और अब आज दूसरा लगवाने के? दूसरा लगवाने के लिए। ठीक है, इसी तरह बने रहिए टोरा धुन के साथ। देखियो, अंकल जी ने बताया है कि मेरा एक झाड़ा लगा है और पूर्ण आराम है 50%। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक। देखिए, ये श्रद्धालु हैं और सुबह से लाइन में लगे हुए हैं, इनसे भी जानकारी लेते हैं। राम राम भाई साहब। राम राम। आपका शुभ नाम? अजीत कुमार। कहाँ से हो? पहाड़ी। पहाड़ी। ठीक, आपके क्या दिक्कत थी? दो रातें। हाँ। तो वाइफ आपकी कौन है? ये मिसिज है। तो कितने झाड़े लगे इनके? सेकंड है। तो पहले मरी में अंतर है कुछ? कुछ भी अंतर नहीं है। कोई अंतर नहीं है? नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, कोशिश करते रहिए और सच्ची श्रद्धा मन से आते रहिए, परमात्मा ओम बनने की जरूर कृपा होगी। ठीक है, क्या नाम है बेबी आपका? मुकेश। मुकेश, कोई आराम नहीं आपका? हाँ, कोई आराम पर। ठीक है, इसी तरह झाड़े लगवाते रहिए आप, 3 झाड़े लगवाइए तो परमात्मा आपके पूर्ण आराम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? मंजीत नाम। कहाँ से हो? खरड़ से। खरड़ से। क्या दिक्कत थी? कान रुका है। और ये झाड़ा कौन सा लगेगा आपका? कान का लगा, मतलब पहला का? दूसरा? पहला ही लगा। तो पहला ही लगेगा? तो आपको किसको बताया भाई यहाँ झाड़ा लगता है? मतलब मोबाइल में देखा। मोबाइल में देखा, यूट्यूब पर। ठीक है, तो आपके विश्वास से पूर्ण आराम होगा? है जी। देखिए, सीधी श्रद्धा से जुड़े रहिए, आपके पूर्ण आराम करेगा परमात्मा। ठीक है। और आपके साथ कौन है? मेरी बहन है। मेरी तेरी बहन है? ठीक है, क्या नाम है बेबी? सुमन जी। सुमन, आपके भी दिक्कत है कोई? ना जी, मेरे तो कोई दिक्कत नहीं, बच्चा का झाड़ा लगवाना। अच्छा, बच्चा का झाड़ा लगवाना। ठीक है, इसी तरह बने रहिए टोरा धुन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से हो? दगोर। दगोर जी, आपके पहला झाड़ा है दूसरा झाड़ा है? मेरा तो पहली चोट को ही। पहला है, क्या दिक्कत है आपके? घनी तकलीफ है जी। घनी तकलीफ है, पूरा शरीर ही तकलीफों से भरा है। हाँ। तो आपके विश्वास से झाड़े से पूर्ण आराम मिलेगा? मिलेगा जी, मिलेगा। ठीक है, इसी तरह बने रहिए टोरा धुन के साथ और भगवान आपके पूर्ण आराम भी करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों देखिए, यहाँ पर आर्मी के भी आते हैं झाड़ा लगवाने के लिए, पूर्ण रूप से यहाँ विश्वास किया जाता है।
देखिए दोस्तों, यहाँ आर्मी भी आती है और आर्मी की काफ़ी नौजवान हैं, हरियाणा पुलिस के भी आते हैं। मैंने आर्मी से बात करनी चाह लेकिन बात करने से मना कर गए। तो देखना यहाँ पर बहुत ही विश्वास का झाड़ा लगता है, अति विश्वसनीय है यहाँ का झाड़ा। ये कितनी लंबी कतार है, सुबह से श्रद्धालु खड़े हैं, कब नंबर आएगा, और एक दिन पहले आए हैं, इन्होंने टोकन भी लिया है, टोकन से भी यहाँ काफ़ी देर में नंबर आता है। इसमें देखिए काफ़ी बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, सभी किसी न किसी रोग से पीड़ित हैं और ये अपना इंतज़ार में हैं कब नंबर आए। दोस्तों एक विशेष बात आपको और बता दें, यहाँ पर तीन बस आती हैं इसी गांव में, एक तो भिवानी से, एक हिसार से, एक राजगढ़ से सुबह। तो आप बसों के जरिए यहाँ पहुँच सकते हैं श्रीनिवास धाम। दोस्तों ये हमने आपकी यात्रा कराई ओम बन्ना धाम श्रीनिवास की। अगर ये वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो, एक लाइक एक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूँ टोरादून के साथ ऋषि पाल, श्रीनिवास भिवानी। जय हिंद।